नमस्कार, केके न्यूज डेस्क बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं पूनम गुप्ता। जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखें तय की गईं, वैसे ही बिहार के बड़े एवं छोटे दलों में जनता तक पहुंचने की होर लग सी गई है। सारे के सारे पार्टी अपने अपने तरीके से इस कोरोना काल में कोरोना संक्रमण के खौफ को भुलाकर मतदाताओं को रिझाने में मशगूल और व्यस्त हो गए हैं। मैं बात प्रॉपर पटना जिला अंतर्गत विभिन्न विधानसभा की कर रही हूँ, जहाँ दो बड़ी पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी प्लस जदयू एवं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल प्लस कांग्रेस, कम्युनिस्ट व अन्य अपने अपने चुनाव नीति निर्धारण करने के तहत जनता के बीच कार्यक्रम संपन्न करते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में पटना साहिब के लोकप्रिय एवं जनप्रिय सांसद एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का संपूर्ण जिले में वर्चुअल रैली हो रही है। जगह जगह हॉलों में बड़े बड़े एलईडी टीवी लगाए गए हैं। कार्यकर्ता बैठकर अपने माननीय नेताओं का भाषण सुन रहे हैं। ये तस्वीर आपको खुसरूपुर प्रखंड नगर की दिखा रहे हैं, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता वर्चुअल रैली में एकत्रित हैं। उधर मनेर में रिंग रोड को लेकर आए दिन धरना और प्रदर्शन और विरोध जारी है। हम ये तस्वीर साफ कर देना चाहते हैं कि कुछ समूह रिंग रोड के बनने से अपने जमीन के कटाव को लेकर आंदोलित हैं, तो कुछ वर्ग रिंग रोड उनके सीमाने से गुजरे इसके लिए प्रदर्शन में व्यस्त है, और कुछ ऐसे भी समूह हैं जो यूं ही विरोध में है। ताजा मामला इसी कड़ी में एक और है, जो मनेर के पड़ाव पर तक रिंग रोड का विस्तार चाहते हैं। इसके लिए अनोखे तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह यह दंडवत प्रदर्शन कर रहे हैं। सब मिलाकर बात यह पटल पर है कि बिहटा, मनेर आदि क्षेत्रों में रिंग रोड का बनना और गुजरना निश्चित है, तो ऐसे में प्रदर्शन क्यों? क्या इतने बड़े रोड प्रोजेक्ट चंद समूहों के घर से गुजरने हैं? ये एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कुख्यात रीतलाल यादव जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं। बता दें कि रीतलाल यादव आरजेडी से एमएलसी भी हैं। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। देखना ये है कि रमा सिंह के विरोध के बाद आरजेडी रीतलाल यादव को कैसे साइड करती है। इन्हीं खबरों के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।